मत्तियाह यीशु समाचार अध्याय 6 वचन 24 से लेकर 34 तक यूं लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से प्यार और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल नहीं रखते? तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सुसुम के फूलों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। अतः कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन।